गुड मॉर्निंग दोस्तों, न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं दीपक कुमार राठौड़ आपका स्वागत करता हूँ। विज्ञान का लेक्चर है हमारा। विज्ञान में बायो में जैव विकास की आज हम बात करने वाले हैं। जैव विकास के बारे में समझते हैं हम लोग। जैव विकास सबसे पहले तो ये कि विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत तीन बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले कि जीवों का उद्गम कैसे हुआ, उनके पूर्वजों का इतिहास क्या है, और समय के साथ साथ जीवों की संरचना में क्या परिवर्तन आए। इन तीन बातों को ही जैव विकास के अंतर्गत जाना जाता है। तो जैव विकास में सबसे पहली बात ये कि जीवों का उद्गम कैसे हुआ, उनके पूर्वज कौन थे, पूर्वजों से लेकर हम तक क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला, ये सब सारी बातें ही जैव विकास के अंतर्गत आती है। लेमार्क पहला व्यक्ति था जिसने जैव विकास को समझाया था, इस कारण लेमार्क को जैव विकास के जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जैव विकास के सिद्धांतों की। तो जैव विकास को समझाने के लिए तीन सिद्धांत दिए गए, जिसमें पहला है लेमार्क का सिद्धांत जिसे लेमार्कवाद कहते हैं, दूसरा है डार्विन का सिद्धांत डार्विनवाद, और तीसरा होता है ह्यूगो डी ब्रिज का उत्परिवर्तनवाद। इन तीनों सिद्धांत को हम जैव विकास के अंतर्गत समझते हैं। तो जैव विकास में थ्री मार्कर में पहला क्वेश्चन बनेगा आपका हेडिंग वाला कि जैव विकास। तो जैव विकास में आपको यही बताना है कि विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का उद्गम कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज इसमें देखा जाएगा जीवों का उद्गम। ठीक है, तो पहली चीज जीवों का उद्गम, दूसरा देखा जाता है उनके पूर्वजों का इतिहास। ठीक है, और तीसरा देखा जाता है क्रमिक परिवर्तन। ये क्रमिक परिवर्तन उनकी संरचना में देखा जाता है, और उसके बाद लिखा जाएगा लेमार्क, कि जैव विकास का जनक लेमार्क को कहा जाता है। तो जैव विकास विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का उद्गम, उनके पूर्वजों का इतिहास, और समय के साथ जीवों की संरचना में जो परिवर्तन हुए हैं, क्रमिक परिवर्तन, उनका अध्ययन किया जाता है। चूंकि लेमार्क पहला व्यक्ति था जिसने जैव विकास को समझाया था, इस कारण लेमार्क को जैव विकास का जनक कहा जाता है। अब यहाँ पर जैव विकास के तीन सिद्धांतों को समझना है। सबसे पहला सिद्धांत होता है लेमार्कवाद। लेमार्कवाद को सबसे पहले हम सिंपल समझते हैं। लेमार्कवाद में ये बताया जाता है कि जो जीव होते हैं उन पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वातावरण के प्रभाव के कारण कुछ जीव होते हैं जो अपने अंगों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और कुछ अंगों का प्रयोग कम करते हैं। जिन अंगों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है वो अंग ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, और जिन अंगों का प्रयोग कम होता है वो कम विकसित रह जाते हैं, और ये कम विकसित अंग आगे जाकर विलुप्त हो जाते हैं। बस इसी बात को समझाया था लेमार्क ने। लेमार्क के सिद्धांत को हम सामान्य रूप में भी समझ सकते हैं, जैसे हम प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इन प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में आपने देखा होगा कि हम कई सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इन सब्जेक्ट 10-12 सब्जेक्ट होते हैं पीएससी में भी, मतलब यदि हम सिलेबस की बात करें तो उस हिसाब से हर सब्जेक्ट आपको पसंद हो या अच्छा लगे ये आवश्यक नहीं है। कुछ सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं, कुछ सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं आते हैं। जो सब्जेक्ट हमको अच्छे लगते हैं हम उनको बार बार पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट हमको पसंद नहीं आते हम उनको पढ़ना छोड़ देते हैं। जिन सब्जेक्ट को हम बार बार पढ़ते हैं बार बार पढ़ते हैं, वो सब्जेक्ट मजबूत हो जाता है, और जिन सब्जेक्ट को हम पढ़ना छोड़ देते हैं वो सब्जेक्ट हमारा कमजोर रह जाता है। अब दोस्तों, जिन सब्जेक्ट को आपने बार बार पढ़ा बार बार पढ़ा, वो इतना विकसित हो गया, इतना मजबूत हो गया, इतनी कमांड आ गई आपकी कि आप उसको दूसरों को पढ़ाने लगते हो, आपका ज्ञान आपसे कहीं और भी ट्रांसफर होने लगता है। ठीक है, बस इसी चीज को समझाया है लेमार्क ने अपने हिसाब से। क्या कहते हैं लेमार्क कि वातावरण का प्रभाव जीवों की संरचना पर पड़ता है। ठीक है, कैसा प्रभाव पड़ता है? तो वातावरण के प्रभाव के कारण कुछ जीव अपने कुछ अंगों का प्रयोग ज्यादा करते हैं और कुछ अंगों का प्रयोग कम करते हैं। जिन अंगों का प्रयोग वो ज्यादा करते हैं वो अंग विकसित हो जाते हैं, और जिन अंगों का प्रयोग कम करते हैं वो अंग धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं या कमजोर रह जाते हैं। ठीक है, इसमें उन्होंने जिराफ का उदाहरण बताया कि जिराफ को देखिए, अफ्रीका के जंगलों की बात की थी उसने। अफ्रीका के जंगलों में
जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा हुआ होगा, तो वहां जमीन की घास समाप्त हो गई। तो जिराफ ने क्या किया कि जो पौधे थे उनकी डालियों को, शाखाओं को खाना चालू किया। तो उन शाखाओं को, पत्तियों को खाने के लिए उसकी गर्दन को उसको बार बार ऊपर उठाना पड़ा होगा, और इस कारण उसकी गर्दन लंबी होती चली गई। उसने कहा कि जो प्रारंभिक जिराफ था वो तो बिल्कुल लोमड़ी जितना था, लोमड़ी जैसा था, लेकिन नीचे की घास समाप्त होने के कारण इसने क्या किया कि ऊपर की पत्तियों डालियों को खाना चालू किया, इस कारण इसकी गर्दन लंबी होते चले गई। अब गर्दन लंबी हो गई, तो ये लंबी जो गर्दन का लक्षण इसने एडॉप्ट किया था, इसे अर्जित लक्षण कहा गया। ठीक है, प्रारंभ में कैसी गर्दन थी? छोटी गर्दन थी, लोमड़ी के जैसा था वो, लेकिन पत्तियों को खाने के लिए, टहनियों को खाने के लिए, डालियों को, शाखाओं को खाने के लिए अपनी गर्दन का इसने बार बार प्रयोग किया, बार बार ऊपर की ओर खींचा, और इस कारण इसकी गर्दन लंबी होते चले गई। तो छोटी गर्दन से लंबी गर्दन वाला जो इसने लक्षण प्राप्त किया, इसे अर्जित लक्षण कहा जाता है। और जब यह अर्जित लक्षण अगली पीढ़ी में जाता है, तो इसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति की कहा जाता है। ठीक है, तो अर्जित लक्षण समझ में आया आपको? अर्जित लक्षण का मतलब होता है ऐसी चीज जो पहले हमारे पास नहीं थी, लेकिन हमने प्रयास किया और प्रयास से वो चीज हमने प्राप्त कर ली, तो वो होती है अर्जित। ठीक है, तो लंबी गर्दन अर्जित लक्षण है, और जब यह लक्षण अगली पीढ़ी में गया, तो इसे कहा गया उपार्जित लक्षणों की वंशागति की। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति की का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क ने दिया। ठीक है, तो लेमार्क समझ में आया आपको? ठीक है, तो लेमार्क के सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों की वंशागति की का सिद्धांत कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हमने इसको बिल्कुल सिंपल तौर पे समझा, लेमार्क ने क्या कहा, कैसे परिवर्तन हुआ, उपार्जित लक्षण क्या थे, कैसे विकसित हुए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि वातावरण का प्रभाव और वातावरण के प्रभाव के कारण जीवों में अनुकूलन की स्थिति का बनना, यही लेमार्क का सिद्धांत है। लेकिन आगे जाकर क्या हुआ कि लेमार्क के सिद्धांत को चुनौतियां मिली। कई वैज्ञानिक हुए जिसने लेमार्क के सिद्धांत को चैलेंज किया, जिनमें एक नाम है वाइसमैन का। वाइसमैन ने क्या किया, 21 पीढ़ी तक लगातार चूहों की पूंछ काटी। ठीक है, उनका एक ही काम था कि चूहे की पूंछ काटना, ठीक है, फिर नई जनरेशन का जो चूहा होता है फिर उसकी पूंछ काटना। मतलब 21 पीढ़ी तक उन्होंने चूहों की पूंछ का, चूहों को पूंछ का प्रयोग करने ही नहीं दिया। फिर 22वीं पीढ़ी में उन्होंने रिजल्ट देखा, 22वीं पीढ़ी में भी चूहे की पूंछ उपस्थित थी। इससे ये समझ में आया इनको कि यदि 21 पीढ़ी तक चूहों ने अपनी पूंछ का प्रयोग नहीं किया, तो 22वीं पीढ़ी में ये पूंछ कहाँ से आ गई। ठीक है, तो इस आधार पर उन्होंने चैलेंज किया लेमार्क बात को कि भैया देखिए, 21 पीढ़ी तक यदि चूहे अपनी पूंछ का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो 22वीं पीढ़ी में इसको विलुप्त हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा सामान्य उदाहरण हम देखते हैं कि जैसे कई बार होता है ना कि आंखों की समस्याएं, जैसे हम बार बार पढ़ते हैं या लंबे समय तक पढ़ाई का काम करते हैं, तो आंखें कमजोर हो जाती हैं, चश्मे लग जाते हैं। तो यहां पर पढ़ने का काम हो रहा है आंखों के द्वारा, तो आंखों को तो मजबूत हो जाना चाहिए, लेकिन आंखें क्या हो गई, कमजोर हो गई। तो ये तो लेमार्क के सिद्धांत के उल्टा काम हुआ। यदि हम बार बार आंखों का प्रयोग कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, ज्यादा ज्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आंखें कमजोर होने की बजाय आंखों को मजबूत हो जाना चाहिए। ठीक है, और जब यही मजबूत आंखें अगली पीढ़ी में जाएगी, तो उनकी आंखें और मजबूत होना हो जाना चाहिए। मतलब अगली पीढ़ी में तो चश्मे जैसी नौबत आना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो इस आधार पर भी लेमार्क के सिद्धांत को चुनौती मिलती है। ठीक, उसके बाद होता है जैसे कई किताबों में लिखा है कि लोहार को देखिए आप, जो लोहे का काम करते हैं ना, जैसे अपने अगरिया जनजाति मध्य प्रदेश में भी आप पढ़ते हो, तो अगरिया जनजाति को देखिए, लोहार को देखिए, वो लोहे के हथौड़े का उपयोग करते हैं, बड़ा वजनदार हथौड़ा होता है, उससे वो लोहे को ठोकते रहते हैं। ऐसे करने से उनके मसल्स जो होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं, उनकी वाइफ भी हथौड़ा चलाती है, लोहार भी हथौड़ा चलाता है, तो जो संतानें पैदा होना चाहिए, बिल्कुल उन्होंने तो वेल डेवलप्ड मसल के साथ आना चाहिए, विकसित मसल्स के साथ आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है।
तो इस आधार पर लेमार्क के सिद्धांत को चुनौतियां मिलती है। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, तो लेमार्क का सिद्धांत ये कहता है कि जीवों पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, और इस वातावरण के प्रभाव के कारण कुछ जीव अपने कुछ अंगों का प्रयोग ज्यादा करते हैं और कुछ अंगों का प्रयोग कम करते हैं। जिन अंगों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है वो अंग ज्यादा विकसित हो जाते हैं, जिन अंगों का प्रयोग नहीं किया जाता वो अंग कमजोर रह जाते हैं और धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। जिन अंगों का प्रयोग आप ज्यादा करते हो वो विकसित अंग जो आपने प्राप्त किए वो आपका अर्जित लक्षण है, और जब यह अर्जित लक्षण अगली पीढ़ी में जाता है तो इसे उपार्जित लक्षणों की वंशा गति की कहा जाता है। तो उपार्जित लक्षणों की वंशा गति का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क ने। ये वही लेमार्क है जिन्होंने जैव विकास को समझाया था। इन्होंने अपनी किताब लिखी थी फिलासफी जुलासिक, और फिलासफी जुलासिक में ही उन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। यहां तक में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देख लीजिए, लेमार्क के सिद्धांत की बातें वही है। वातावरण का प्रभाव, अनुकूलन की प्रकृति, अंगों का उपयोग अनुपयोग, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ये रहा आपकी गर्दन, सांप के पैर। ये सांप के पैर भी क्या है? इन्होंने सांप के पैरों को समझाया कि जो सांप होता है झाड़ियों में जाता है, तो इसके पैर थे पहले, इसके पैर अटक जाते थे, इनको इसको झाड़ियों में जाने में समस्या होती थी। तो सांप ने सोचा कि क्यों ना ये अंग खत्म ही कर लिए जाए। ठीक है, तो सांप के ये अंग जो पैर थे वो विलुप्त तो हो गए। ठीक है, और जब अगली पीढ़ी के सांप आए उनमें पैर नहीं थे, तो पैरों का विलुप्त तो होना अर्जित लक्षण है, और जब यह लक्षण अगली पीढ़ी में गया तो इसे कहा गया उपार्जित लक्षणों की वंशागति की। ठीक है, तो लेमार्क में वातावरण का प्रभाव, मैंने आपको बताया है कि वातावरण का प्रभाव जीवों पर पड़ता है, इस वातावरण के कारण कुछ जीव अपने कुछ अंगों का प्रयोग ज्यादा करते हैं, कुछ अंगों का प्रयोग कम करते हैं। जिन अंगों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है वो अंग ज्यादा विकसित हो जाते हैं, जिन अंगों का प्रयोग नहीं होता वो अंग धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वातावरण के प्रभाव के कारण अंगों का कम उपयोग होना या अधिक उपयोग होना ही उपार्जित लक्षण है, और जब यह लक्षण अगली पीढ़ी में जाता है तो इसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति की कहा जाता है। इसमें भी आपको वही चीजें देखने को मिलेंगी, वातावरण का प्रभाव, जीवों में अनुकूलन की प्रकृति, अंगों का उपयोग अनुपयोग, और उपार्जित लक्षणों की वंशागति की। आप लिख सकते हैं इसमें जिराफ की गर्दन का उदाहरण, ठीक है, और सांप के पैर। ठीक है, बढ़े आगे। अब यहां से बढ़ते हैं आगे, तो विरोध में इसकी कमियां भी आपको बताई है। कमियां इसकी यही है कि वाइसमैन ने इसका विरोध किया। वाइसमैन ने चूहों की 21 पीढ़ी तक पूंछ काटी, लेकिन 22वीं पीढ़ी में फिर पूंछ थी। तो इस हिसाब से, तो लेमार्क के सिद्धांत के हिसाब से तो पूंछ को विलुप्त हो जाना चाहिए, लेकिन वो पूंछ विलुप्त नहीं हुई। ठीक है, 22वीं पीढ़ी के चूहों में पूंछ उपस्थित थी, तो फिर ये लेमार्क का सिद्धांत यहाँ पर फेल हो जाता है। उसके बाद मैंने आपको आंखों के बारे में बताया कि आंखों का प्रयोग हम बार बार करते हैं, चश्मे लग जाते हैं, लेकिन होना तो उल्टा चाहिए कि यदि हम आंखों से बार बार पढ़ने का काम कर रहे हैं तो आंखें मजबूत होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सांप के पैर, तो सांप के पैर, सांप को झाड़ियों में चलने के लिए पैर अटक जाया करते थे, तो सांप ने क्या किया कि वो अनुकूलन की प्रकृति को अपनाया, उसने अंगों को विलुप्त कर दिया, और जब अगली पीढ़ी की जो सांप थे उनमें पैर नहीं दिखे, तो पैरों का विलुप्त तो होना अर्जित लक्षण है, और जब ये अगली पीढ़ी में गया तो इसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति की कह दिया गया। ठीक है, तो इसकी कमियां यही है, आप बता सकते हो। यही क्वेश्चन यदि 5 नंबर में आएगा या 6 नंबर में आएगा, 19 के हिसाब से 6 नंबर में, ठीक है, 20 के बाद वाले सिलेबस में 5 नंबर के हिसाब से, तो आपको यही बताना है लेमार्क, इसकी विशेषताएं और कमियां। ठीक है, 1 नंबर का इंट्रो बनेगा कि जैव विकास को समझाने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, इसे लेमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। उसके बाद उसकी विशेषताएं कि वातावरण का प्रभाव जीवों पर पड़ता है, इस कारण उनमें अनुकूलन की स्थितियां बन जाती है, इसके कारण कुछ जीव अपने कुछ अंगों का प्रयोग ज्यादा करते हैं कुछ कम करते हैं, अंगों का कम प्रयोग होना या ज्यादा प्रयोग होना उपार्जित लक्षण कहलाता है, और जब ये लक्षण अगली पीढ़ी में जाते हैं तो इसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति की कहते हैं। ठीक है, आप उसका उदाहरण बता सकते हैं, जिराफ का उदाहरण और
सांप के पैर, जिराफ की गर्दन, सांप के पैर, और फिर विरोध कर सकते हो कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति की सार्वभौमिक लक्षण नहीं है। ठीक है, लोहार का उदाहरण दे सकते हैं आप, आंखों का उदाहरण दे सकते हैं, चूहों की पूंछ का उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं यहां से हम आगे। डार्विनवाद की बात करते हैं। डार्विन, सबसे पहले थ्री मार्कर में व्यक्तित्व से क्वेश्चन बनेगा, लेमार्क। तो लेमार्क में आप वही लिख सकते हो कि जैव विकास के जनक, प्रसिद्ध किताब फिलोसॉफी जुलासिक, जिसमें उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत प्रस्तुत किया। थ्री मार्कर में बस इतना ही लिखना है आपको। थ्री मार्कर में डार्विन आ जाएगा। डार्विन में भी आपको ये लिखना है, प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञान विज्ञानी या वैज्ञानिक, ठीक है, या जैव विकास के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत का के प्रतिपादक। ठीक है, इनका सिद्धांत बता सकते हो, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत। ठीक है, अब दोस्तों जो डार्विन थे, डार्विन ने अपने जीवन का अधिकांश समय यात्राओं में बिताया था। ठीक है, इन्होंने विश्व के कई महाद्वीपों की यात्रा की थी। बिगल जहाज का नाम आता है कि बिगल नामक जहाज से इन्होंने विश्व के कई महाद्वीपों की का भ्रमण किया था, और वहां पर उन्होंने जीवों की उत्पत्ति, उनके पूर्वजों का इतिहास, उनकी संरचना में परिवर्तन, इन सब बातों का अध्ययन किया। ठीक है, और उसके बाद वहीं से उन्होंने जैव विकास के संबंध में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब ये नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी या प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत क्या है, इसको पहले हम थोड़ा ऊपर से समझते हैं। दोस्तों सीधी सी बात है, जैसे हम प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, इन प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में आप देखिए पोस्ट काफी कम आती है, लेकिन फॉर्म काफी डले जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो एमपीपीएससी में आप देखिए 250-300 पोस्ट आती है, 400 पोस्ट मान लीजिए, पिछले अभी कुछ सालों में तो इतनी आई है, लेकिन फॉर्म डलते हैं 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख तक फॉर्म डलते हैं। क्या उन 4 लाख लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा? सभी 4 लाख लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन उसी का होगा जो व्यक्ति अपने आप को एमपीपीएससी के अनुसार ढालेगा। कैसे ढालेगा? यदि मान लीजिए कि एग्जाम एमपीपीएससी ले रहा है, लेकिन आप यूपीएससी का पढ़े, देखो दोनों में अंतर है ना, यूपीएससी का सिस्टम अलग चलता है, एमपीपीएससी का सिस्टम अलग चलता है। यदि आप यूपीएससी के हिसाब से की तैयारी को ध्यान में रख के पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन नहीं होना, या आप एसआई को ध्यान में रख के पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ओवरऑल सिलेक्शन की बात करें ना, प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहे। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि आपको उसके अनुसार ढलना होगा। किसके अनुसार? जो एमपीपीएससी की नीड है। यदि व्यक्ति अपने आप को एमपीपीएससी के अनुसार ढाल लेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और जो व्यक्ति अपने आप को एमपीपीएससी के अनुसार नहीं ढाल पाया, उसके साथ दो स्थितियां होंगी। पहली स्थिति तो ये कि या तो लंबे समय की फेलियर के बाद वो अपने आप को पीएससी के एग्जाम से बाहर कर ले, और दूसरी स्थिति ये कि पीएससी ही उसको बार बार उठा के बाहर फेंकते हैं कि भाई तू हमारे लायक, हमारे काबिल या हमारी एग्जाम के अनुकूल नहीं है। दो स्थितियां बनी, एक तो व्यक्ति अपने आप को पीएससी के अनुसार ढाल ले, और दूसरा या वो अपने आप को पीएससी के अनुसार ढाल नहीं पाए तो या तो उसको पीएससी उठा के बाहर फेंक देगा, या फिर वो व्यक्ति खुद अपने को कंपटीशन से बाहर कर लेगा। दो स्थितियां बनी। लेकिन इसको देखिए कि जो व्यक्ति अपने आप को पीएससी के अनुसार ढाल लेगा उसका क्या होगा? दोस्तों आगे आने वाला जीवन काफी सुखमय हो जाएगा। ठीक है, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधर जाता है। कहते हैं ना, सरकारी नौकरी में आते हो तो कई पीढ़ियां संवर जाती है। तो वही बात है कि यदि मान लो जो व्यक्ति अपने आप को सिलेबस के अनुसार ढाल लेगा, पीएससी के अनुसार ढाल लेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और वो आगे आने वाला जीवन काफी अच्छे से जिएगा। मैं सामान्य हाइपोथेसिस की बात कर रहा हूँ, है ना? तो बिल्कुल अच्छे से जीवन जिएगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को पीएससी के अनुसार ढाल नहीं पाया, स्थितियां गंभीर हो जाएगी। वो अपने आप को पीएससी से या तो बाहर कर लेगा या पीएससी उसको खुद बाहर कर देगा। अब बात करते हैं ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने आप को पीएससी के हिसाब से ढाला, अच्छा जीवन जिएगा, आने वाली जनरेशन का भविष्य अच्छा होगा, ऐसा मान के चलते हैं। तो
दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है कि फॉर्म डल रहे हैं 4 लाख, सीट है 250, 300। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप में अनुकूलन लाना पड़ेगा। कैसा अनुकूलन? सिलेबस के साथ अनुकूलन, एग्जाम की डिमांड के साथ अनुकूलन। यदि आप डिमांड के साथ, सिलेबस के साथ अनुकूलन ले आए तो आपका सिलेक्शन तय है। और यदि मान लो आप सिलेबस के अनुसार या एग्जाम की डिमांड के अनुसार अनुकूलन नहीं ला पाए तो फिर वही होगा, या तो पीएससी आपको उठा के बाहर फेंकेगा या खुद आप हार मान जाओगे। और जो व्यक्ति अनुकूलन ले आया वो अपना आगे का जीवन काफ़ी शानदार तरीके से जिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डार्विन भी यही बात कहते हैं। डार्विन कहते हैं कि इस संसार में जीव तो कई सारे हैं, ठीक है, इस संसार में जीव तो कई सारे हैं, लेकिन उनके खाने के लिए भोजन और रहने के लिए आवास काफ़ी कम है। क्या कम है? खाने के लिए भोजन और रहने के लिए आवास काफ़ी कम है। और इस आवास और भोजन को प्राप्त करने के लिए जीवों में आपस में संघर्ष होता है। इस संघर्ष को ही उन्होंने जीवन संघर्ष का नाम दिया। ठीक है, जैसे से वही बात कि पीएससी में लोग तो कई सारे हैं लेकिन पद कम है, तो यहाँ पर आवास और भोजन काफ़ी कम है लेकिन जीव कई सारे हैं। और हर जीव चाहता है कि उसको भोजन मिले, उसको आवास मिले, लेकिन ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं है। तो उस भोजन और आवास को प्राप्त करने के लिए जीवों में संघर्ष होता है, और इस संघर्ष में वही जीव विजित होता है या जीतता है जो अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेता है। ठीक है, लेकिन जो जीव अपने आप को वातावरण के अनुसार नहीं ढाल पाएगा उसके साथ दो स्थितियां बनेगी, या तो वो जीव अपने आप को नष्ट कर लेता है या ये प्रकृति उस जीव को नष्ट कर देती है। सेम पीएससी में भी हुआ ऐसा। ठीक है, या तो ढल जाओ सिलेबस के हिसाब से, एग्जाम की नीट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से, और यदि आप ढल नहीं पा रहे हो तो पीएससी आपको उठा के बाहर फेंक रहा है या आप खुद हार मान रहे हो एक निश्चित समय के बाद। सेम यहाँ पर भी होता है, जीव तो कई सारे हैं, भोजन कम है, आवास कम है, उसको प्राप्त करने के लिए जीवों में आपस में संघर्ष होता है, इसी को जीवन संघर्ष नाम दिया। जो जीव इस जीवन संघर्ष में पिछड़ जाते हैं, हार जाते हैं, उनको ये प्रकृति नष्ट कर देती है या वो जीव अपने आप को नष्ट कर लेता है। लेकिन जो जीव इस जीवन संघर्ष में सफल हो जाता है दोस्तों, वो लंबे समय तक जीवन जीता है, अच्छे से जीवन जीता है। ठीक है, इसी को कहा उन्होंने प्राकृतिक वर्णवाद। क्या कहा? प्राकृतिक वर्णवाद। ठीक है, प्राकृतिक वर्णवाद। दोस्तों प्राकृतिक वर्णवाद का मतलब होता है प्रकृति भी आपका वर्ण करती है। ये वर्ण शब्द आया है, ये वर्ण वैदिक कालीन शब्द है, उत्तर वैदिक कालीन शब्द है। उत्तर वैदिक काल में स्वयंवर रचे जाते थे, स्वयंवर में देश विदेश के राजा महाराजा राजकुमार आते थे। राजकुमारी उसी राजा या राजकुमार के गले में हार डालती थी जिसमें योग्यता होती थी। यहाँ पर नालायकों का चयन नहीं होता था, ठीक है, तो योग्यता का चयन होता था। तो वहां पर राजकुमारी वर वर्ण करती थी, वर का चयन करती थी, तो वर्ण योग्यता के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, अब योग्यता किसी भी वे में हो सकता है, या तो सामान्य योग्यता या जो योग्यता राजकुमारी की नजर में हो। ठीक है, तो सामान्य हाइपोथेसिस की बातें कर रहा हूं मैं ना, तो वर वर्ण होता था, तो वहां पर राजकुमारी वर का वर्ण करती थी, योग्य वर का चयन होता था वहां पर। स्वयंवर, स्वयंवर का मतलब ही होता था, आइए अपनी योग्यता का परिचय दीजिए और विवाह कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी प्राकृतिक वर्णवाद शब्द आया है, नेचुरल सिलेक्शन आया। दोस्तों प्रकृति भी आपका चयन करती है, कैसे करती है? इसका सामान्य उदाहरण देखिए आप, आपके घर में गमला होगा, गमले में आप दो पौधे लगाइए, ठीक है, एक ये बड़ा पौधा और एक ये छोटा पौधा। ठीक है, दो पौधे लगाए आपने। इस गमले में देखिए आप, इस गमले में आवास सीमित है, पानी भी सीमित मिलेगा, भोजन भी सीमित मिल रहा है। ठीक है, इस भोजन को, आवास को प्राप्त करने के लिए दोनों पौधों में कंपटीशन होगा, होता है कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन में आप देखिए इस आवास का, इस भोजन का ज्यादा ज्यादा प्रयोग कौन कर रहा है? बड़ा पौधा कर रहा है। छोटे पौधे को ना तो अच्छे से आवास मिल पा रहा है,
ना भोजन मिल पा रहा है, तो क्या ये यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आपने देखना, ये पौधा बढ़ ही नहीं पाता है, ये यहीं नष्ट हो जाता है या इतना ही बना रहता है। क्यों? क्योंकि गमले के जितने भी संसाधन है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किसने किया? बड़े पौधे ने। यहाँ बड़ा पौधा योग्य है, ठीक है, योग्य है। किस योग्य है? कि ज्यादा से ज्यादा भोजन को प्राप्त करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा संसाधनों को प्राप्त करने के लिए। तो जो योग्य है वही जिएगा, लंबे समय तक जिएगा, अच्छे से जिएगा। यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है अपने को। लेकिन जो बेचारा योग्य नहीं है, या तो वो एक निश्चित समय के बाद खुद अपने आप को नष्ट कर लेगा, या ये प्रकृति या ये गमले का पर्यावरण उसको खुद नष्ट कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर शब्द आता है योग्यतम की उत्तरजीविता। हर्बर्ट स्पेंसर ने इसे योग्यतम की उत्तरजीविता नाम दिया। योग्यतम की उत्तरजीविता का मतलब यह है कि जो योग्य होगा वही जीवित रहेगा। अब सामान्य अर्थ में भी आप देख लीजिए, हम कहते हैं ना कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। कई बार आपने सुना है कि मेहनत कीजिए ईश्वर आपके साथ रहेगा। बिना मेहनत के ईश्वर साथ देता है क्या? नहीं। तो सेम बात वही है, डार्विन ने भी यही बात कही कि प्राकृतिक वर्णवाद, प्रकृति भी उसी का सिलेक्शन करती है, उसी का चयन करती है जिसके पास योग्यता है, जो योग्य है। ठीक है, जिसके पास योग्यता नहीं है उसकी कोई कीमत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप नेचुरल सिलेक्शन कह लीजिए या योग्यतम की उत्तरजीविता कह लीजिए, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कह लीजिए, ये सारे डार्विनवाद के अंग है। तो यहाँ पर योग्यतम की उत्तरजीविता शब्द नाम दिया है हर्बर्ट स्पेंसर ने, लेकिन प्राकृतिक वर्णवाद शब्द का प्रयोग किया है चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, अमेरिका का एक विशेष द्वीप है गालापेगास द्वीप, वहां पर फिंच टिड्डियों पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था और उस संदर्भ में भी इन्होंने कई सारे निष्कर्ष निकाले थे। ठीक है, तो डार्विन बात को आप देखिए, हम समझते हैं डार्विन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन जो किताब लिखी थी ऑरिजन ऑफ स्पीसीज थी। प्रीलिम्स में देखो क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर लेमार की किताब का नाम पूछ सकते हैं। तो लेमार की किताब का नाम था कौन सा? पिछली बार अपन पिछली स्लाइड में देखा था अपन ने, ठीक है, फिलासफी जुलासिक। और यहाँ पर डार्विन में हमने देखा है कि ऑरिजन ऑफ स्पीसीज, ऑरिजन ऑफ स्पीसीज में इन्होंने ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विशेषता क्या है? जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, ठीक है, बिल्कुल भयंकर क्षमता होती है, ज्यादा ज्यादा संतान उत्पत्ति की ताकत होती है उनमें। लेकिन यदि सभी संतानें जीवित रह जाए तो पृथ्वी पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। इस कारण इन संतानों में भी क्या होता है कि जो योग्य होता है वही जीवन जी पाता है, ठीक है, जो योग्य नहीं होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। इस कारण जीव स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें पर्यावरण के प्रति अनुकूलन आ ही नहीं पाया। तो जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, उसके बाद कुछ जीव स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। इस कारण पृथ्वी पर जीवों का संतुलन बना रहता है। दूसरी बात इन्होंने कही है जीवन संघर्ष। मैंने आपको वही कहा कि प्रत्येक जीव जीवन जीने के लिए, अच्छा भोजन, अच्छा आवास प्राप्त करने के लिए अपने ही वर्ग के या सजातीय विजातीय कई प्रकार का संघर्ष होता है, उनमें संघर्ष होता है। संघर्ष में वही जीव जीवित रहेगा, वह विजेता बनेगा जिसमें क्षमता होती है, जो अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालने की ताकत रखता होगा। योग्यतम की उत्तरजीविता हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है, जो योग्य होगा वही जीवन जी पाएगा। और वातावरण के साथ अनुकूलन, कि वातावरण के अनुसार ही ढलकर जीवन जिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप चार्ल्स डार्विन की विशेषताओं में लिख सकते हैं। कमियों की बात करें तो इनकी कमियां वैसे विशेष तौर पे सीधी कमियां तो नहीं नजर आती है, लेकिन कहते हैं ना कई बार कि सार्वभौमिक सिद्धांतों का अभाव था इनमें। ठीक है, और जैसे कई बार देखा जाता है कि इनका सिद्धांत उपभोक्तावाद को बढ़ावा देता है, कि भैया अपना उल्लू सीधा कीजिए, दुनिया जाए कहीं भी, ठीक है, योग्य बनिए, वो योग्य किसी भी एंगल से बना जाए। ठीक है, तो ऐसी बुराइयां देखी जाती है। विज्ञान के हिसाब से इनके सिद्धांत का अपना एक विशेष महत्व है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उत्परिवर्तनवाद, जैव विकास के संबंध में जो तीसरा सिद्धांत दिया गया वो था उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो डीब्रिज का सिद्धांत है। ह्यूगो डीब्रिज ने क्या कहा, इसको समझने के लिए हम कोशिका को थोड़ा सा समझते हैं। कोशिकाएं, मैंने आपको बताइए दोस्तों पिछले लेक्चर्स में कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सिंपल सा अंतर हम जानते हैं, उसके बाद हमको ये चीजें समझ में आएगी। कोशिका को हमने विभाजित किया था प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में।
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी का जिस समय उद्गम हुआ तो उस समय एकदम से हमारे जैसे जीव आ गए होंगे क्या? बिल्कुल नहीं आए। जिस समय पृथ्वी का उद्गम हुआ उस समय बिल्कुल सरल प्रकार के जीव आए थे। सरल प्रकार के जीवों का मतलब होता है कि उनका पूरा शरीर एक कोशिका से मिलकर बना था, मतलब एक कोशिकीय जीव आए, उसके बाद बहुकोशिकीय जीव आए, और समय के साथ साथ जीवों की संरचना में जटिलता आती गई। तो जो पृथ्वी के उद्गम के समय जो प्रारंभिक जीव आए थे उनकी कोशिकाएं बिल्कुल सरल प्रकार की कोशिकाएं थी। उन कोशिकाओं में कोशिका अंग इतने विकसित नहीं थे। कोशिका अंग में पढ़ा के आया हूँ, कोशिका अंग में गोल्जी बॉडी आप पढ़ोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करोगे, केंद्रक की बात करोगे, ठीक है, उनमें केंद्रक फैला हुआ था प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो कई सारे कोशिका अंग अनुपस्थित थे, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सारे कोशिका अंग विकसित अवस्था में होते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि पृथ्वी के उद्गम के समय जो जीव आए थे वो बिल्कुल सरल प्रकार के जीव थे। सरल प्रकार के जीव मतलब जिनका पूरा शरीर एक कोशिका से मिलकर बना था, कोशिका में ज्यादा कोशिका अंग उपस्थित नहीं थे, ठीक है, उनको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक जीव। आगे समय के साथ साथ जीवों के शरीर में या संरचना में जटिलता आती गई, और आज हम देखिए आज हमारा शरीर करोड़ों अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है। ऐसे जीवों को यूकैरियोटिक जीव कहा जाता है। अब दोस्तों प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में हमने जाना। अब कोशिकाओं को फिर जब आगे जाके हम पढ़ते हैं तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में बांटते हैं, ठीक है। पादप कोशिका में मैंने बताया कि पादप कोशिका का आकार अंडाकार हो, पादप कोशिका का आकार आयताकार होता है, जंतु कोशिका का आकार अंडाकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इन कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है। और इन कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर होते हैं दोस्तों गुणसूत्र। क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। ये क्रोमोसोम के अंदर होते हैं दोस्तों डीएनए, ठीक है, और इस डीएनए के भीतर होते हैं जीन्स। क्या होते हैं? जीन्स। तो सीक्वेंस समझ में आया आपको? जीव, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है, फिर यूकैरियोटिक कोशिका को दो भागों में बांट दिया, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, और इनमें जो गोलाकार संरचना होती है इसे केंद्रक कहा जाता है। और केंद्रक में ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर होती है इनकी इस टाइप से, ठीक है, ये गुणसूत्र होते हैं इस टाइप से। गुणसूत्रों के अंदर ही दोस्तों मैंने आपको बताया क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, और डीएनए के अंदर ही दोस्तों आपको मिलेंगे जीन्स। देख लीजिए यहाँ पर ये कोशिका है, कोशिका के अंदर गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर डीएनए, और डीएनए का ही भाग कहलाता है जीन्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जीन्स की हम बातें करने वाले हैं, जीन शब्द यहाँ से आया है, ठीक है। कोशिका, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, आकार, उनमें गोलाकार संरचनाएं, गोलाकार संरचना को केंद्रक नाम दिया, उसमें गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स, ठीक है। अब उत्परिवर्तनवाद कहता क्या है? डी ब्रिज ने ये कहा कि आप जीवों की संरचना में जो परिवर्तन देखते हैं ये परिवर्तन क्या एकाएक हुआ कि लंबे समय से ये प्रोसेस चल रही थी उसके बाद परिवर्तन देखने को मिला। तो इन्होंने कहा कि जीवों की संरचना में जो परिवर्तन देखने को मिला वो अचानक घटना है। अचानक घटना कैसे है? उन्होंने कहा कि जींस में एकाएक परिवर्तन आ जाने के कारण वहां से बिल्कुल नए प्रकार के संतानों ने जन्म लेना चालू किया होगा। अब कैसे इसको थोड़ा हम समझते हैं दोस्तों। क्या होता है कि जो ये गुणसूत्र होते हैं ये अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाते हैं। इनका काम ही ये होता है कि जो लक्षण माँ बाप के हैं वो लक्षण बच्चों में जाए। तो अनुवांशिकता के वाहक का काम करते हैं गुणसूत्र, अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाते हैं। ये अनुवांशिक लक्षण धारण करता है डीएनए, मतलब कोई भी जेनेटिक करेक्टर कहाँ छिपा होता है? डीएनए में छिपा होता है। डीएनए अमर होता है दोस्तों, डीएनए कभी मरता नहीं है। जो डीएनए हमारे दादाजी का था वही हमारे पिताजी का होगा, जो हमारा डीएनए है वही हमारे बच्चे का डीएनए होगा, जो बच्चे का डीएनए वही उसके बच्चे का डीएनए होगा। तो डीएनए अमर होता है, डीएनए एक जैसा होता है। तो अनुवांशिक लक्षण छुपे होते हैं डीएनए में,
और उन अनुवांशिक लक्षणों को उत्पन्न करता है जीन। ये अगली पीढ़ी में लक्षणों को उजागर करने का काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों सीधी सी बात है, एक क्वेश्चन आता था 12वीं बायोलॉजी में, क्या क्वेश्चन, क्या कारण है कि गंजापन पुरुषों में होता है, महिलाएं कभी गंजी नहीं होती? तो उसका कारण ये होता है कि महिलाओं में गंजेपन का जीन पाया नहीं जाता। ठीक है, जब गंजेपन का जीन महिलाओं में पाया नहीं जाएगा तो लक्षण उजागर ही नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों जीन्स का काम है अगली पीढ़ी में लक्षणों को उजागर करना, उत्पन्न करना। इसी कारण जीन्स को अनुवांशिकता की इकाई कहा जाता है। ठीक है, अब उत्परिवर्तनवाद को समझिए आप। उत्परिवर्तनवाद में डीब्रिज कहते हैं कि जीवों में जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो लंबे समय से होने वाली विभिन्नताओं या विविधताओं के कारण नहीं होता है। ये जो परिवर्तन देखने को मिला ये एकाएक परिवर्तन हुआ है, और जिन्स में परिवर्तन आ जाने के कारण वहां से नए प्रकार की संतानें जन्म लेना प्रारंभ करती है। उदाहरण के तौर पे हम यदि बात करें कि जैसे मान लो पिताजी में गंजेपन का जीन है, दादाजी में था तो पिताजी में गया तो पिताजी भी गंजे हुए, लेकिन मान लो हमारी जनरेशन में वो जीन समाप्त हो जाए या वो जीन उजागर ना हो पाए तो हम गंजे होंगे क्या? हम बिल्कुल गंजे नहीं होंगे। तो दोस्तों ये तो चलो सामान्य लक्षण है, लेकिन बड़े लक्षणों की बात करें, जैसे मान लो इंसान की उत्पत्ति कपी से हुई है, कपी की को आप देखिए पूरे शरीर में बाल होते थे, एक पूंछ होती थी, तो वहां पर देखिए कि यदि मान लो पूंछ का लक्षण लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन क्या हो कि एक निश्चित समय के बाद जो संतानें जन्म ले रही है उसमें पूंछ हो ही ना, तो क्या होगा कि मान लो पीढ़ी दर पीढ़ी पूंछ चल रही है लेकिन एकदम से पूंछ वाला जीन समाप्त हो जाए। ऐसा जीन जो पूंछ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्स करता है अगली पीढ़ी में, उसको उजागर करता है, वो समाप्त हो जाए, तो वहीं से बिना पूंछ वाले बंदर पैदा होना चालू हो जाएंगे। बस यही है उत्परिवर्तनवाद। तो जीवों में जो आपको नए नए लक्षण देखने को मिलते हैं वो अचानक अचानक आ जाते हैं। कैसे अचानक आ जाते हैं? जीन्स में एकदम से परिवर्तन होने के कारण। यदि वो वाला जीन एकदम से खत्म हो गया तो हमको वहां से नए लक्षण मिलेंगे। ठीक है, और इस सिद्धांत को ही उत्परिवर्तनवाद कहा जाता है। और ऐसी संतानें जो नए करेक्टर से युक्त है, नए गुणों से युक्त है, उनको हम उत्परिवर्तक संतानें कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूगो डीब्रिज का सिद्धांत यही कहता है कि इवनिंग प्रिमरोज नामक पौधे पर उन्होंने अपना प्रयोग किया और वहीं से उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बस अब थोड़ा सा बचा है, तो देखिए विशेषताओं में भी इन्होंने यही बात कही है कि जीन्स में अचानक परिवर्तन आ जाए। ठीक है, ये उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं, कम भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं, कोई निश्चित नहीं होते, कुछ ही अंगों तक सीमित हो सकते हैं या पूरे शरीर में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, यह एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है, जीन्स में विकृति आ जाना या जीन्स में परिवर्तन हो जाना ये प्राकृतिक घटना है, निश्चित समय नहीं होता, होने को कुछ ही सालों में हो जाए या फिर लंबे समय के बाद हो, तो इसका कोई निश्चित समय नहीं है। और एक पूर्वज से कई प्रकार की जातियों का उद्गम भी हो सकता है जिनमें अलग अलग लक्षण होते हैं। तो ह्यूगो डीब्रिज का उत्परिवर्तनवाद यही है कि जीवों की संरचना में जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं ये परिवर्तन एकाएक घटित होते हैं, न कि लंबे समय से होने वाले परिवर्तनों के कारण। ठीक है, ये एकाएक होने वाले परिवर्तन जीन्स की संरचना में आए परिवर्तनों के कारण होते हैं। जीन्स की संरचना में एकदम से परिवर्तन हो जाने के कारण नए प्रकार की संतानों का जन्म होता है, इन संतानों को उत्परिवर्तक संतानें कहते हैं और यह सिद्धांत उत्परिवर्तनवाद कहलाता है। ठीक है, इन्होंने अपने प्रयोग किए थे वो इवनिंग प्रिमरोज नामक पौधे पर किए थे, और वहीं से उन्होंने कुछ विशेषताएं या कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, कुछ चीजों को प्रतिपादित किया था जो इस प्रकार है कि जीन्स में अचानक परिवर्तन होना ही उत्परिवर्तनवाद है, ये उत्परिवर्तनवाद अनिश्चित होते हैं, किसी अंग में कम ज्यादा ठीक है हो सकते हैं, पूरे शरीर में अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, अनिश्चित होते हैं। उत्परिवर्तनवाद की घटना प्राकृतिक घटना है। ठीक है, जैसे जैव विकास अपन ने पढ़ा एक अनवरत प्रक्रिया है, उसी प्रकार ये एक प्राकृतिक घटना है। उत्परिवर्तनवाद को इनका कोई निश्चित समय बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, कभी कुछ ही सालों में हो सकता है या कभी उस परिवर्तन को देखने के लिए आपको लंबे सालों का इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, एक पूर्वज से कई प्रकार की जातियों की उत्पत्ति भी संभव है।
तो दोस्तों ये है जैव विकास के संबंध में तीन सिद्धांत, 5 नंबर, 6 नंबर, पुराने पैटर्न नए पैटर्न के हिसाब से, और व्यक्तित्व विशेष रूप से कवर करना है। 3 मार्कर यहाँ बनेगा ह्यूगो डिब्रिज, तो ह्यूगो डिब्रिज में भी आपको यही लिखना है कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, जैव विकास के सिद्धांतों के प्रतिपादक। इनके सिद्धांत का नाम है उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद में आपको एक लाइन ये भी लिखना है कि जीन्स की संरचना में अचानक परिवर्तन होने कारण नए प्रकार के संतानों का जन्म होता है, इन्हें ही उत्परिवर्तक संतानें कहते हैं, और ये सिद्धांत उत्परिवर्तनवाद कहलाता है। धन्यवाद। यहाँ तक में किसी को कोई समस्या? मिलते हैं अगले लेक्चर में।